नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। देखिए, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत ज़्यादा फेमस और अभी जो एक टॉपिक चल रहा है पूरे भारत में, कोई उसका विरोध कर रहा है, कोई उसका समर्थन कर रहा है, और वो टॉपिक है GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके बारे में इसके बारे में बात करूँगा कि GST क्या होता है, और बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन वो सिर्फ फैक्चुअल होगी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कितने प्रकार हैं, जो भी इसके बारे में बातें हैं। आज मैं सिर्फ आपसे ये बात करने वाला हूँ कि आखिर ये GST है क्या। सिर्फ एक बेसिक सी बात है। अगर आपसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ये पूछे कि बेटा बताओ GST क्या है, एक गाँव का व्यक्ति है मान लीजिए, वो गाँव में रहता है, उसको सिटी की ये बातें पता नहीं है, सरकार GST चला रही है पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में, हर जगह GST चल रहा है, तो आप उसको क्या जवाब दोगे कि GST क्या होता है। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सिर्फ आपके सामने आज ये GST समझा रहा हूं आखिर GST क्या होता है। देखिए, ये मान लीजिए ये एक बच्चा है, ठीक है, इस बच्चे ने आपसे पूछा कि ये GST क्या होता है अंकल, कि या भैया GST क्या होता है, और इस बच्चे का नाम है गोलू, ये गोलू बड़ा बदमाश बच्चा है, GST क्या होता है। तो आपने इसको ये कहा कि बेटा जैसे मान लो तुम्हारा बर्थडे है, इसने कहा ठीक है अंकल मेरा बर्थडे है, तो तुम क्या करोगे, तुमने अपने पापा को कहा कि पापा मुझे एक टॉफियों का पैकेट ला के दो, कल मैं सभी को मेरे स्कूल में टॉफी बांटूंगा। ये गोलू के पापा हैं, इन्होंने कहा ठीक है बेटा। ये नेक्स्ट डे गोलू निकला अपने स्कूल की तरफ, जब ये जा रहा था तब इसका एक फ्रेंड था मोलू, और साथ में मोलू के जो पापा हैं ये भी इसको मिल गए। इनको पता चला कि इस गोलू का बर्थडे है, तो इन अंकल ने ये कहा कि बेटा हैप्पी बर्थडे, तो अब इसने क्या किया, जो टॉफियों का पैकेट था एक इस मोलू को दे दिया और एक इसके पापा को, जैसे मान लीजिए श्याम अंकल नाम है, इन श्याम अंकल को टॉफियों का पैकेट दे दिया, एक एक टॉफी इनको दे दी। उसके बाद गोलू फिर आगे चलता रहा, जब एंट्री करने लगा तब किसी को और पता चला कि इसका हैप्पी बर्थडे, आज बर्थडे है, किसी ने फिर कहा हैप्पी बर्थडे बेटा, इस चौकीदार ने सुन लिया और चौकीदार ने भी इसको बर्थडे बोल दिया। तो इस गोलू ने क्या किया, इस जो चौकीदार है इसको भी टॉफी दे दी। अब ये गोलू फिर आगे गया और स्कूल में जाकर के अपनी क्लास के सभी बच्चों को दो दो टॉफियाँ दे दी। प्रिंसिपल ने कहा कि भाई सभी बच्चों को दो दो टॉफियाँ दे दो, इसने दे दी। अब देखिए, संयोग से इस गोलू का एक बहुत अच्छा फ्रेंड भी था जिसका नाम था टिल्लू। टिल्लू इस क्लास में एब्सेंट था, और क्लास का रूल ये है कि जो बच्चा क्लास में एब्सेंट होगा उसको कोई भी टॉफी या चॉकलेट नहीं मिलेगी उस दिन अगर बांटी जाती है तो। अब देखिए, आप क्या है, इसको एक भी टॉफी नहीं मिली टिल्लू को, आप ये मान के चलिए। अब इसको ऐसे समझिए कि जैसे इसका जो बर्थडे है वो उसको समझिए एक बिजनेस, और ये जो टॉफियां हैं ये समझिए सब है टैक्स। अलग अलग जगह टैक्स लग रहे हैं। सबसे पहले अंकल को आपने टैक्स दिया, तो मान लीजिए ये है लोकल टैक्स। चौकीदार को आपने टॉफी दी, वो समझिए एंट्री टैक्स है। स्कूल के सारे बच्चों को आपने टॉफियां बांटी, वो सर्विस टैक्स है। ये जो मोलू था ये इसको रास्ते में भी मिला था, और ये जो मोलू है ये यहाँ भी रास्ते में भी मिला और क्लास में भी बैठा, तो इस मोलू को क्या हुआ, दो बार टॉफी मिली। टिल्लू जैसा जो बच्चा उस दिन बेचारा आया नहीं, इसको एक भी नहीं मिली। यही चीज़ें हैं टैक्स, जो कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के टैक्स थे आज तक भारत में। किसी को दो दो बार फायदा हो रहा था और किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा था। लेकिन अब प्रिंसिपल ने नया रूल निकाल दिया कि जिस बच्चे का भी जन्मदिन होगा वो बच्चा टॉफ़ी या चॉकलेट का पैकेट ला के मुझे देगा, और अब मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं सबको टॉफ़ी बराबर भागों में कैसे बांटता हूँ। तो उससे क्या फ़ायदा होगा, सबको टॉफ़ी बराबर बिंटेगी, कोई ऐसा नहीं है जिसको एक भी ना मिले, कोई ऐसा नहीं है जिसको डबल डबल मिले, डबल डबल बार टॉफियाँ मिले। और इसमें देखिए, जो कुछ लोग जो मोलू जैसे हैं वो विरोध करेंगे, क्यों, क्योंकि उनको लगता है कि हमें पहले चीज़ दो बार मिल रही थी और अब नहीं मिल रही है। तो यही है GST, जिसमें सबको समान रूप से बंटवारा होगा, सबका समान रूप से फायदा है। पूरे भारत में एक ही टैक्स है, जितना कोई नुकसान अगर इसके गिना रहा है तो उस नुकसान से कहीं ज़्यादा सभी को फायदा होगा।
और यही जीएसटी है। तो मुझे लगता है कि आप इसको समझ गए होंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, ग्राहक को फायदा होगा। अब जो फैक्चुअल बातें हैं, ये तो था इसका कंसेप्ट, और जो फैक्चुअल बातें हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जीएसटी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, क्वेश्चन भी बनाऊंगा। तो जहां तक मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो की अपडेट और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए पास के बेल आइकन को क्लिक जरूर करें।